हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी चने को 5 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये फूल कर डबल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया हुआ है 1 बड़ी इलायची, 5 से 7 काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी। इसको हम चने में डाल देंगे। अब हम चाय पत्ती की पोटली बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाय पत्ती लिया हुआ है। इसको हम कपड़े में बांध देंगे। चाय पत्ती डालने से छोले में बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो इसकी जगह सूखे आंवले भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। चाय पत्ती की पोटली को हम चने में डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक और इसको हम पानी के साथ ही बॉईल कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और 5 से 7 सीटी लगाकर इसे उबाल लेंगे। जब तक हमारे चने पक रहे हैं, तब तक हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं और 3 मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। प्याज को हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है, तो अब हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हुए हैं। इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर के पेस्ट बनकर रेडी हैं। ये देखिए, चने भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चाय पत्ती की पोटली को निकाल कर बाहर कर देंगे चने से। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें करीबन 5 से 7 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसमें हमने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, 2 साबुत लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। इसको हम तेल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा छोले में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला, इससे छोले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने पैकेट वाला लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। आप चाहें तो घर का नॉर्मल लहसुन अदरक का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज का पेस्ट और इसको भी भूनते जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून छोला मसाला। अब इसमें 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारे मसाले जले ना। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले भून लेंगे। और ये देखिए, मसाले बिल्कुल पक चुके हैं और साइड से तेल भी छूटने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे काबली चने और मसाले के साथ चने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक। हम थोड़ा ही नमक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक का यूज़ किया था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने तक पकाएंगे। और ये देखिए, छोले में बढ़िया से उबाल आ चुका है। छोले को 5 मिनट और पकने देंगे। अब इसमें धनिया डालेंगे और गैस फ्लेम को कर देंगे बंद। और ये देखिए, छोले बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए बना लेते हैं भटूरे।
अब हम भटूरे का आटा लगाएंगे, तो जिसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, आधी कटोरी दही लिए हैं और एक ग्लास पानी लिया है। सबसे पहले हम मैदे में 1/2 टीस्पून सोडा डालेंगे, हमने खाने वाला सोडा यूज़ किया है। आधी कटोरी दही डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और आटे को चिकना कर लेंगे। अब हम आटे को आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम भटूरा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक मीडियम साइज़ की लोई लेंगे और इसे घुमा घुमा कर गोल कर लेंगे। अब हम मैदे में डिप करेंगे लोई को और रोटी के साइज़ का बेल लेंगे। इसी तरह दूसरा भटूरा भी बेल लेंगे। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अब हम भटूरे तलेंगे। एक एक भटूरे करके तेल में डालते जाएंगे और कलछी से प्रेस करते जाएंगे, जिससे भटूरे फूले फूले बने। भटूरे को कलछी से प्रेस करते रहना है, वरना क्या होगा कि भटूरे फूलेंगे नहीं। हम भटूरे को पलट देंगे और आप देख सकते हैं कि भटूरे कितने फूले फूले बने हैं। इसी तरह हम दूसरे भटूरे को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, टेस्टी से छोले भटूरे बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी ट्राई करिए छोले भटूरे की रेसिपी, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।